हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका वाईफाई स्टडी जेई लाइव चैनल पे, जो कि पार्ट एन एकेडमी का। मैं डीएन यादव और हम लोग आज पढ़ेंगे फ्रीज रीअरेंजमेंट। फ्रीज रीअरेंजमेंट एक बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी, शानदार सी रिएक्शन है, जिसमें एरोमेटिक रिंग पे जुड़े हुए एस्टर्स, मतलब इस तरह के कंपाउंड्स क्या करते हैं, किसी लुइस एसिड की प्रेजेंस में हीट करने पर रीअरेंजमेंट शो करते हैं। इस रीअरेंजमेंट से बेसिकली क्या होता है, इस रीअरेंजमेंट से बेसिकली ये बनते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, या तो आप ऑर्थो बना लीजिए या फिर आप पैरा बना लीजिए, दोनों ही प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब हाइड्रोक्सी प्लस कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, कब कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कब ऑर्थो इम्पोर्टेंट होता है, कब पैरा इम्पोर्टेंट होता है, यही हमें डिसाइड करना है। इस रिएक्शन में दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक थर्मोडाइनेमिक कंट्रोल, एक काइनेटिक कंट्रोल। तो ऐसा माना जाता है कि जो ऑर्थो है ये थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट होता है, ये थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट है, ये थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट है और थर्मोडाइनेमिकली मेजर प्रोडक्ट है, जबकि ये काइनेटिक प्रोडक्ट है, काइनेटिक मेजर प्रोडक्ट है। इस चीज़ का मतलब क्या है थर्मोडाइनेमिक एंड काइनेटिक का, तो चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि यदि किसी रिएक्शन में ए कन्वर्ट इनटू बी एंड ए कन्वर्ट इनटू सी, इस तरह के दो साइमल्टेनियस प्रोग्राम प्रोडक्ट बन रहे हों, जैसे ए बी भी बना रहा है और सी भी बना रहा है, के वन एंड के टू रेट कॉन्स्टेंट है। यदि मैं कहूँ के वन इज मच मच ग्रेटर देन के टू, यदि K1 बहुत बड़ा है K2 से, तो B क्या होगा, लार्ज अमाउंट बनेगा, और A कंपेरेटिवली, C कंपेरेटिवली क्या बनेगा, स्मॉलर अमाउंट बनेगा। सीधी सी बात है कि B एंड C बन तो दोनों रहे हैं, लेकिन सेम टाइम इंटरवल में B की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, C की अमाउंट कंपेरेटिवली बहुत कम होगी। सीधी सी बात है, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये बात किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक्स पे, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। तो ए से बी में कन्वर्ट होने की रेट ऑफ रिएक्शन एक्सट्रीमली ज़्यादा है, तो क्या होगा, बी मेजर प्रोडक्ट। यदि के टू बड़ा होता तो सी क्या होता, मेजर प्रोडक्ट, है ना। अपनी रिएक्शन में फ्रीज रीअरेंजमेंट में भी यही हुआ। फ्रीज रीअरेंजमेंट में क्या हुआ, फ्रीज रीअरेंजमेंट में हम लोगों ने एक एस्टर लिया और इस एस्टर में हमने ये कहा कि यहाँ दो प्रोडक्ट बनना पॉसिबल है। एक प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एक प्रोडक्ट हो सकता है ऑर्थो, और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है पैरा। अब बात यह है कि जो पैरा प्रोडक्ट है, जो पैरा प्रोडक्ट है एक्चुअल में ये मेजर होता है। ये मेजर होने का मतलब है K1 एंड K2 यदि ले लिया जाए तो यहाँ K2 मच मच ग्रेटर देन क्या है, K1 है। अब होता है दूसरा थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट। थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट क्या होता है कि बेसिकली यू मान लें कि ए कन्वर्ट इनटू बी एंड ए कन्वर्ट इनटू सी, लेकिन यहाँ कहें कि ये के वन है और ये के टू है, के वन मच मच ग्रेटर देन के टू है, मतलब बी काइनेटिकली तो मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन यदि मैं कहूँ कि थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो थर्मोडाइनेमिकली मान लेते हैं, अज्यूम दैट कि सी इज मोर स्टेबल देन बी। तो यदि आप हाई टेम्परेचर लोगे, यदि लो टेम्परेचर है तो ठीक है, रेट डिसाइड करेगी कि बी मेजर प्रोडक्ट है। यदि आप हाई टेम्परेचर लोगे तो क्या होगा, बी थर्मली लेस स्टेबल है, तो बी जो बन गया वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी में। इसका मतलब होगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा सी। बात समझ गए होंगे आप लोग। जैसे देखिएगा, फ्रीज रीअरेंजमेंट में यदि हम कहें कि हमारे पास ये एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड को हमने AlCl3 में हीट किया, AlCl3 में हीट किया, लेकिन टेम्परेचर क्या रखा, बहुत हाई रखा, तो यहाँ बने तो दो प्रोडक्ट थे, एक तो ये बना था ऑर्थो और एक बना था पैरा। तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट बना प्यारे बच्चों, एक क्या बना, ऑर्थो प्रोडक्ट बना, और एक क्या बन गया, पैरा प्रोडक्ट बन गया। अभी हमने पढ़ा काइनेटिकली कौन ज़्यादा बनता है, काइनेटिकली पैरा बहुत ज़्यादा बनता है, मेजर होता है, लेकिन
इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो थर्मली बहुत स्टेबल होता है। तो यदि ये बन भी जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑर्थो में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब थर्मोडाइनेमिकली ये ज़्यादा स्टेबल है। यदि ये ज़्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, बशर्ते कि टेम्परेचर हाई हो। बशर्ते कि क्या हो? टेम्परेचर हाई हो। इसका मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यदि हमारे पास एक सिंपल कोई एस्टर है तो इस एस्टर में आप एक काम करिए, यदि आप लोग टेम्परेचर क्या रखते हो, टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस रखते हो, तो इस स्थिति में कैसा प्रोडक्ट होगा? पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। पैरा प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा। किसने डिसाइड किया? ये काइनेटिकली मेजर प्रोडक्ट है। ऐसे ही हम बात करें कि यदि टेम्परेचर ग्रेटर देन और इक्वल टू 160 डिग्री हो जाए तो ऑर्थो प्रोडक्ट कैसा होगा? ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर, क्योंकि थर्मोडाइनेमिकली ये क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे कौन कब ज़्यादा होगा, कौन कब कम होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म की, इसका मैकेनिज्म कैसा है, क्योंकि नाम से ही लग रहा है कि ये रीअरेंजमेंट है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा एस्टर है। इस एस्टर में हम ये कह सकते हैं ये ऑक्सीजन एक लुईस बेस है। AlCl3 जब रिएक्ट करता है तो ये इस वाले पे, इस ऑक्सीजन पे ये AlCl3 इस तरह से जुड़ जाता है और साथ में बनता है, साथ में जुड़ा रहता है ये वाला, है ना। इस पे पॉजिटिव आ जाता है इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन लेके ये इसे भगा देता है। मतलब आप ये कह सकते हो एक तरह से इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है OAlCl3। ये बन गया, साथ में क्या बनता है? साथ में बनता है CO+R। होता ये है कि यहाँ से एक जो कार्बोकेटाइन बना एक्चुअल में ये अटैक करता है ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे, और इसी चक्कर में क्या होता है ये OAlCl3 अभी तक इसे ऐसे ही रहने देते हैं और ये कार्बोकेटाइन ने आके अटैक कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल ने ऑर्थो पोजीशन पे आके क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अब होता ये है कि ऑर्थो पोजीशन पे आने के बाद में इसका जो है, पहले तो ये एक HCl रिलीज होता है और फिर ये पूरा AlCl3 निकल जाता है। इसे कंप्लीट डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे लाइव क्लास में। तो अभी ये बीच में जो हम कह रहे हैं HCl निकला और कब किसका हाइड्रोजन कहाँ यूज होगा, इसमें हाइड्रोजन वाटर से आया या फिर हाइड्रोजन बेंजीन का था वही आया, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी था, है ना। ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ये हाइड्रोजन वहाँ शिफ्ट हुआ या फिर पानी से हाइड्रोजन आया, ये पढ़ने के लिए लाइव क्लासेस देखते रहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशंस फ्रीज रीअरेंजमेंट की मैंने आप लोगों को दे दी है। देन स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, बताइए wifistudy JEE के बारे में। wifistudy JEE पर 2 से 8 क्या होती है? लाइव क्लासेज होती है मंडे टू फ्राइडे, टेस्ट सीरीज भी होती है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों बैचे चल रहे हैं। देन स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।